जीना इस दौर में। कालम निगार अयाज उमीर। कभी सोचा ना था कि यह दौर ऐसा होगा, नाकामी की एक ना ख़त्म होने वाली दास्तान। मामलात हमसे कुछ संभाले ना गए, हिम्मत तो बाद में आती है, इससे पहले समझ होती है। अब तो ये राज सब पे खुलता जा रहा है कि हमारी इज्तमाही समझ में कुछ कमी थी। इरादे तो थे लेकिन गलत सिम्मत के इरादे थे। तवानाइयाँ जितनी भी थीं फजूल के कामों में सर्व कर दी, और ये समझ ना सके कि तरजीहात क्या होनी चाहिए। और ये सब कुछ दिहाइयों में नहीं हुआ, बहुत जल्द हो गया। ये कल ही की बात है कि लगता था कि हम उम्मीद से पुर हैं, अब लगता है कि पल्ले कुछ रह नहीं गया। सबसे बड़ा नुकसान नफसियाती हुआ है, इरादे टूट चुके हैं और अब तो दिल ही नहीं करता कि कोई इरादा बांधा जाए। बड़ी पुरजोश कौम हुआ करती थी, जज्बात के घोड़े दौड़ने लगते तो दूर फलक तक जा पहुँचते थे। कौन सी मनहूस घड़ी आई कि सारा जोश ही दबके रह गया। कौमों की ज़िंदगी में ना सिर्फ नाकामी होती है बल्कि शिकस्त और रिखत का सामना भी हो जाता है, लेकिन जिंदा कौमें वो कौमें जिनमें थोड़ी सी भी चिंगारी हो हार नहीं मानती, गिरते गिरते भी संभल जाती हैं और नए अज़्म के साथ आगे को चलती हैं। अंदर से जब रूह मर जाए फिर कोई दवा कारगर नहीं होती। अफगानों को देखें, अमरीकियों को अपनी ज़मीन से भगाया तो इनकी कौमी वजूद में एक नया अज़्म आ गया है। अब वो हमें आँखें दिखा रहे हैं और हम वो हैं जिन्होंने इनका बोझ बरसों तक उठाए रखा, अपना नुकसान किया उनकी खातिर। लेकिन यह मानना पड़ेगा हमारी सोच गलत थी, जो मफरूज़े हमने घड़े थे वो गलत थे। अफगानिस्तान में हम ढूंढने क्या गए थे? हमारे अकाबरीन समझ बैठे कि अफगानिस्तान से हमें तकवीत मिलेगी। तकवीत क्या मिलनी थी, जैसे अर्ज़ किया कि अब वो हमें आँखें दिखा रहे हैं। बहरहाल एक तकलीफ़ हो तो इसका जिक्र करें। हमने तो अपने लिए ऐसी सूरत हाल बना ली है कि मसाइल हर तरफ पैदा कर लिए हैं। सियासत बर्बाद, मईशत तबाह हाल, कशकोल खाली, बस ख्याली पुलाव पकाते जा रहे हैं। वहाँ से खरात आएगी, आसमान के फलां कोने से ज़रे मुबादला की बारिश होने लगेगी। सल्तनत रोमा का जवाल कई सदियों पर मुहित था, हम कहाँ की सल्तनत रोमा। कौमी वजूद हमारा कितना तवील है। ज़्यादा देर नहीं हुई हमारे कौमी सफ़र को शुरू हुए, और देखते ही देखते इरादे खाक में मिलते जा रहे हैं। तकरीबन तमाम क्लासिकल उर्दू शायरी जवाल के ज़माने की शायरी है, जब मुगलिया सल्तनत का सूरज ढल चुका था। उस शायरी में जो गदाज है, या जिसे अंग्रेज़ी में पैथोस कहते हैं, शायद इस दास्तान जवाल का एक मजहर है। क्या कैफियत गालिब की होती होगी जब शाम ढलते खलवत में बैठे तरह तरह के जहन में ख्याल उतरते होंगे। मुगलिया दरबार के शायर थे, फिर इनकी आंखों के सामने इस दरबार का किस्सा तमाम हुआ। लाल किले और दिल्ली पर अंग्रेज़ काबिज़ हो गए और बहादुर शाह जफर अंग्रेज़ों के मुकीद हो गए। गली कासिम जान जहां गालिब की रहाइश थी, लाल किले से ज़्यादा दूर ना थी। देखते होंगे किले की दीवारें तो क्या गुजरती होगी, लेकिन दोस्त अहबाब तो थे, दिल्ली के कूचा और बाजार भी थे। और गो गालिब का हाथ तंग रहता, लेकिन शामों के हवाले से सामान राहत मैसर हो जाता था। हमारे पास क्या रखा है, बर्बादी तो कोई इतनी अनोखी चीज़ नहीं, लेकिन बर्बादी हो तो ज़रा धूम से हो। कोई तो दरो बाम जहाँ से शब के साए ढलने के बाद कहकों की आवाज़ आती हो। जंग अजीम दोम में जब लंदन में जर्मनियों की बमबारी रहती थी, तब भी वहाँ के शाम कदे बंद नहीं होते थे। बाहर ब्लैकआउट होता था, लेकिन शाम कदों के दरवाज़ों के पीछे कहकों की आवाज़ें गूंजती थी। पेरिस, जिसे दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर कहा जाता है, पर जर्मनियों का कब्ज़ा हो गया, लेकिन इस कब्ज़े के दौरान भी शाम की तफरीह गाहें कभी बंद ना हुईं। सिलसिला ज़िंदगी चलता रहता है और चलता रहना चाहिए। लेकिन हम क्या बेकार के लोग हैं, एक तो नाकामी की दास्तान, ऊपर से ज़िंदगी के गर्द बोरियत का कंबल लपेटा हुआ है। सुबह वाटर टू की जंग थी, और इस शाम एक बहुत अमीर कबीर खातून डिस ऑफ रिचमंड ने बर्सल में एक बहुत बड़ी पार्टी मुनक्कद की, जिसमें तमाम चीदा चीदा अंग्रेज़ अफसरान मधु किए थे। ज़ाहिर इस पार्टी में फैशनेबल खवातीन की कोई कमी ना थी, इसलिए रक्स और सुरूर की महफिल थी। और सुबह वो मार्का आरा मैदान था जिसमें नेपोलियन को शिकस्त हुई। कोई बात तो हुई, हम हैं बुरे वक्तों से गुजर रहे हैं, लेकिन चेहरे लटके हुए हैं, आंखों से चमक जा चुकी है। नाकामी से ज़्यादा हमारे लटके चेहरे मायूसी की नवीद सुना रहे हैं। बुरा वक्त हो तो क्या, हौसले तो कायम रहने चाहिए। यहाँ सबसे ख़तरनाक बात यही है, लगता है हौसले पस्त हो चुके हैं। लिहाजा झनकार का कोई आलम तो पैदा होना चाहिए। एक तो प्लाटों का जो कारोबार इसने अजीब व गरीब लत लगा दी है, इन प्लाटों और फाइलों के चक्कर में हम क्यों कर पड़ गए। जिस माशरे में और कोई गुफ्तगू ना हो सवाए पैसे बनाने के, वहाँ अज़्म और हौसला कहाँ से पैदा होंगे। जो कौम इन चीज़ों में लगी रहे, इसकी सोच नकारा हो जाती है, और ये हमारे साथ हो रहा है। गुफ्तगू तो ये होनी चाहिए कि हम अपनी मुश्किलात पे काबू पा लेंगे, जो कुर्बानी देनी है देंगे, मईशत को दुरुस्त करेंगे। टीटीपी वाले अपने आप को क्या समझते हैं, हम में वो सलाहियत है कि इनका कला कम कर दिया जाए। लेकिन ऐसी गुफ्तगू मैंने तो कहीं नहीं सुनी, हर तरफ प्लाटों का चर्चा है। लगता है इस कौम को और कोई काम ही नहीं,
आवाम को तो छोड़िए महकमे के महकमे इस काम में पड़े हुए हैं। जिन्होंने इन कामों में पढ़ना है उन्होंने खाक कोई और काम करना है। ज़ियाउल हक को क्या कोसना, उनको गए लगभग 35 साल हो चुके हैं। उन्होंने अंधेरी रात की चादर इस कौम पे चढ़ाई तो जो इनके बाद आए इनके पास मौका था कि इनके पैदा करदा मसाइल का कोई हल निकाला जाए, लेकिन किसी ने ये हिम्मत ना की और फिर हम पीछे ही जाते रहे। हुक्मरान जो आए इनकी एक ही दिलचस्पी थी कि दोनों हाथों से इस बदनसीब मुल्क को लूटा जाए। आज जिस हाल को हम पहुँचे हैं ये अंजाम वैसे ही तो नहीं हुआ, बस छोटे लोगों के हाथों ये मुल्क ये अरगमाल बना रहा। और आज हालत यह है कि छोटे से छोटे मुल्क से मुवाजना करें तो शर्म आ जाती है। बांग्लादेश से मुवाजना तो दूर की बात, अफगानिस्तान की करेंसी हमारी करेंसी से ज़्यादा मजबूत है। पर छोड़े इन बातों को, लगता है किसी शिकंजे में फंसे हुए हैं और निकलने की कोई सूरत नहीं। अहले दर्द हैं अहले नज़र भी, लेकिन ये किस काम के जब इनके हाथ कमज़ोर हैं और जो मजबूत हाथों वाले हैं बर्बादी के तमाम मनाजर देख कर भी टस से मस नहीं होते। वो अपनी ही दुनिया के मकी हैं, इनसे क्या कुछ कहा जाए। लिहाजा यही कहते हैं कि कुंदन लाल सहगल की अमर आवाज़ में अदा की गई गज़लें सुनी जाएं, गालिब की शायरी पढ़ी जाए, कुछ समाने राहत पैदा किया जाए, कुछ तो दिल में जान आए, कुछ तो रगों में खून दौड़े। उम्मीद करता हूँ यह कॉलम आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे कॉलम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।